हेलो, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज मैं प्रैक्टिस सेट 5.2 कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट 5.1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने एग्ज़ाम जो उसके एग्जाम्पल्स थे वो भी एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है, और अब मैं स्टार्ट करूँगी 5.2। तो इसके पहले इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। और अगर बच्चों आप लोगों को जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोगों को टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहे हैं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। 5.3 के एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करने के पहले मैं आप लोगों के साथ में ये जो फॉर्मूला दिया है वो एक बार मैं रीड करके देखती हूँ। ए प्लस बी क्यूब, तो इसमें क्यूब दिया है, ये मैंने हाईलाइट किया है इसलिए आप लोगों को शायद से दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b³। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर बुक में भी एक बार लिख देती हूँ। प्रैक्टिस सेट 5.2, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? a प्लस बी क्यूब, ये क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड हमें फॉर्मूला लिखना है। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² तो आपको क्या करना है, 3 इसमें कॉमन है दोनों में, ए स्क्वायर है, बी सिंगल है, और यहाँ पर ए सिंगल है बी स्क्वायर है, फिर से लेना है प्लस और बी क्यूब। तो स्टार्ट में ए क्यूब था, नेक्स्ट बी क्यूब है, तो हमें ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो हमें यही करना है कि ए क्यूब बी क्यूब एंड में है और मिडल में है 3a² b प्लस 3ab² तो हम एक सम करते हैं जो एग्जाम्पल में दिया है, x प्लस 3 क्यूब, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें लिखना है। तो वैल्यू ऑफ x क्या है, ये a है और ये b है, तो a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 3। तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि वैल्यू क्या होता है। तो x a का वैल्यू, बिकॉज इन फॉर्मूला वी हैव a प्लस बी, तो इसीलिए a का वैल्यू है यहाँ पर x और b का वैल्यू है 3। तो यही नंबर्स, ये जो वेरिएबल दिया है और नंबर दिया है, इसे हमें इसके अकॉर्डिंग फील करना है। तो स्टार्ट हम करेंगे अभी, a क्यूब दिया है, तो a क्यूब मतलब हमें यहाँ पर लेना है अब x क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b है, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय a मतलब अगेन क्या है, x है, दैट इज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b मतलब है 3, तो 3 लेना है। देन आफ्टर दैट अगेन प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3² प्लस 3 क्यूब, b का वैल्यू है 3, तो 3 क्यूब। तो यहाँ पर हमें ये 4 पार्ट मिल गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसे हम सेपरेटली पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कैसे रहेगा, रिमेन एज इट इज वैसे ही रहेगा, प्लस तो यहाँ पर देखो 3 3 जा, तो 3 3 जा 9 है, सो 9x² देन प्लस, ना हियर वी हैव स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर है मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो इसका वैल्यू क्या आ गया है 9, तो इसीलिए 9 3 जा 27x, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज ये जो एक प्लस, दोनों प्लस के मिडल का जो पार्ट है वो एक सिंगल पार्ट है, तो हमें उसी से पूरा कंप्लीट करना है। देन प्लस साइन लेना है अगेन, ये रूट जो स्क्वायर दिया था ये हमने निकाल दिया है, बिकॉज इसका आंसर यहाँ पर हमने 3 का स्क्वायर जो था उसका आंसर 9 फाइंड कर दिया था। देन वी हैव क्यूब, 3 का क्या करना है, फाइंड करना है क्यूब, तो 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ये कैसे आया, तो हमें ये 3 टाइम लेना है, लाइक 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, जब क्यूब होता है तो उसे 3 टाइम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो आंसर है 27। नाउ इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये जो वेरिएबल्स दिए हैं इसके इंडेक्स फॉर्म कैसे, इसमें 3 है, 2 है, यहाँ पर ये इमेजिनरी 1 है, देन वी हैव नंबर, तो ये असेंडिंग फॉर्म में दिए हुए हैं, सॉरी डिसेंडिंग फॉर्म में दिए हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर, इसीलिए इसी फॉर्म में हम इसे रखेंगे। तो दिस इज अवर
आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं 5.2। फर्स्ट सम में दिया है के प्लस 4 क्यूब, तो होल ब्रैकेट का क्यूब है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगेन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू देखो आप, इसका ए का वैल्यू है के और बी का वैल्यू है 4। सो के क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो ये सब जो मैंने फिल किया है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला जो लिखा था उसे देखकर ही हमें कंटिन्यू करना है। तो अगेन वी गॉट हियर 4 पार्ट्स, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो के क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस 3 फोर जा 12 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 4 फोर जा है 16, पेंसिल से लिख सकते हो आप ऊपर, बाद में रब कर देना। 4 फोर जा 16, 16 थ्री जा 48 के प्लस, अभी यहाँ पर दिया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्यूब है, इसीलिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 फोर जा 16, 16 फोर जा 64, सो दिस इज 64। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही आप लोगों को सम सॉल्व करने हैं। तो दिस वाज फर्स्ट सम, नाउ वी विल कंटिन्यू सेकंड, दैट इज 7x प्लस 8y क्यूब। सो हियर वैल्यू ऑफ ए इज 7x एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8y। एक बार अगर हमें पता चल गया वैल्यू तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसे इजीली एकदम अच्छे से फील कर सकते हैं। और ये जब फील करते हैं तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को करना है, नंबर्स यहाँ वहाँ स्प्लिट नहीं होने चाहिए। तो ये 7x है, दो नंबर्स दिए हैं साथ में, नंबर भी है वेरिएबल भी है, इसीलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना है क्यूब ना, 7x का क्यूब लिखेंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8y। इसके बाद फिर से प्लस साइन ले ली है, फिर करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर है, तो a का वैल्यू है 7x मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू है 8y, इसीलिए इसे ब्रैकेट में लेते हैं स्क्वायर प्लस, जगह इनकम्प्लीट हो रही है तो नीचे कर सकते हैं हम कंटिन्यू, प्लस बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 8y स्क्वायर। ऐसे हमने फिल कर दिया है, अभी इसके आंसर्स फाइंड करेंगे। इसके पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं 4 डिफरेंट पार्ट्स को। नाउ हियर 7 का क्यूब फाइंड करना है, तो 7 का क्यूब फाइंड करने के लिए आपको 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर सकते हो, या मैं तो इसका हम आंसर अभी फाइंड करेंगे। 7 3 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए जो क्यूब रूट चार्ट है ये मैंने इंडाइसिस और क्यूब रूट का जो टॉपिक सिखाया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ में, मतलब मैंने वीडियो के एंड में उसमें चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें पूरे 20 तक क्यूब और क्यूब रूट्स दिए हैं। तो आप वो चार्ट अगर चेक कर सकते हो, या आप अगर खुद का एक चार्ट बना लेते हो तो वो लर्न कर लेना, ताकि इमीडिएटली यू कैन फाइंड आंसर्स। सो क्यूब ऑफ 7 होता है 343, मतलब 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो ये आंसर है। तो हम यहाँ पर उसे लिखेंगे 343, x को लेना है और x का क्यूब है इसीलिए डायरेक्ट x क्यूब लिखेंगे, प्लस साइन नीचे कंटिन्यू करना है। देन अगेन हियर वी हैव 7 जा 49, 7 स्क्वायर है मतलब 7 जा 49, तो ये 49 है, 49 त्रीजा करना है, तो 49 त्रीजा फर्स्ट वी विल कंटिन्यू 49 त्रीजा, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 13 14, सो 147 वी गॉट। ये हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट वी हैव 8,
तो मल्टीप्लाइड बाय 8 भी करना है, सो मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 सेवन जा 56, 8 फोर जा 32, 32 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 37, 7 3 फिर से कैरी करना है, 8 वन जा 8, 9 10 11, सो 1176 एक्स स्क्वायर और वाई दोनों लेना है, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई। देन आफ्टर नेक्स्ट वी हैव, तो आप डायरेक्ट ये नंबर भी यहाँ पर भी सेम लेटर नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 है, 3 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 3 है, 7 है, 8 है, सोचकर सेम नंबर नहीं लिखना है, बिकॉज हियर वी हैव 7 स्क्वायर एंड हियर वी हैव 8 स्क्वायर, तो दोनों आंसर डिफरेंट आने वाले हैं, इसीलिए डायरेक्ट उसे नहीं करना है, तो हम इसे रफ पेज पर ही सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अगर एक रफ पेज साथ में रखोगे तो उस पर आप कंटिन्यू जो भी रफ वर्क रहेगा कंटिन्यू करते रहो, तो ज़्यादा साइड में मैस भी नहीं होगा। मैं भी एक पेज ले लेती हूँ, ओके ये इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में किया था मैंने। सो हियर वी हैव 8 8 64, सो 64 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो 7 फोर जा 28, 7 सिक्स जा 42, 43 44, देन मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो पहले 8 का मैंने स्क्वायर फाइंड किया, 8 8 64, उसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, 7 जो आंसर आएगा उससे 3 से मल्टीप्लाई करना है, या आप ऐसे कर सकते हो 3 7 जा करो फिर उसके बाद 64 से करो, सो नाउ 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 13, सो 1 3 4 4 आंसर है, 1 3 4 4 एक्स वाई स्क्वायर, सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 8 8 64, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 64 वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स हम लिखते हैं रेगुलर नंबर से थोड़ा नीचे लेना है उसे, जैसे आप अगर 64 लिख रहे हो, 64 लिखा है तो वाई नीचे स्क्वायर ऐसे लेना है। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये डिसेंडिंग फॉर्म में ही आया है, तो वी विल स्टॉप दिस सम नाउ। तो ये थोड़ा स्लांट हुआ है क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया था, तो यहाँ नीचे के लाइन से एक्चुअली स्टार्ट करना था। तो नाउ नेक्स्ट वी विल सी थर्ड सम, दैट इज 7 प्लस एम क्यूब, 7 प्लस एम क्यूब, ओके प्लस, सो वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 7 एंड वैल्यू ऑफ बी इज एम। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। नाउ वी विल कंटिन्यू द सम, तो सम हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे। हियर वी विल कंटिन्यू ए क्यूब, ए क्यूब मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ 7, वैल्यू मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू एम, सो 7 क्यूब, अभी देखो यहाँ पर 7 के साथ वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट मैंने 7 क्यूब लिख दिया है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर है, इसीलिए ए मतलब क्या है 7, मल्टीप्लाइड बाय बी मतलब क्या है एम है स्क्वायर, प्लस एम क्यूब बिकॉज बी क्यूब है लास्ट में, तो एम क्यूब। तो ये लिख दिया है पूरा, वैल्यूज हमने फिल कर दिए हैं, 7 का अभी हमें फिर से फाइंड करना है क्यूब, तो 7 का क्यूब मैंने जस्ट बताया था 343, तो डायरेक्ट लिखेंगे 343 प्लस हियर वी हैव 7 स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो भी हमने आंसर अभी यहाँ पे फाइंड किया था, दैट इज 147, सो 147 एम प्लस 7 3 जा 21 एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब, ठीक है। आप अगर देख रहे हो
तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करते हैं, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे स्लॉट नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैं स्लॉट बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमें सिर्फ ये जो नंबर्स आते हैं प्लस के बिफोर प्लस के मिडल में, उनका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना है और उसे लिखना है, और जितने भी हमें इंडेक्स देते हैं तो वो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सिंपल सम है, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं फोर्थ सम, दैट इज 52 क्यूब। 52 का क्यूब फाइंड करना है। तो अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर एक ही नंबर दिया है और क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ये भी पहले सीखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे फिर से, 50 प्लस 2 क्यूब। देखो सेम मेथड में आ गया है, जैसे हमने यहाँ पर किया था टू नंबर्स लेकर, ऐसे ही ये भी कंटिन्यू हो गया है। तो अब इसका हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले पूरा लिखेंगे, कैसे लिखना है। सो वैल्यू ऑफ ए इज 50 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2। ओके, सो नाउ 50 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, मतलब 2 लेना है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b है, b का स्क्वायर, सो b इज 2, सो देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। सो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अभी इसके बाद हम इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसका हमें फाइंड करना है क्यूब। सो 50 का क्यूब कैसे फाइंड करना है, आपको क्या करना है, पहले 3 जीरोस लेने हैं कंटिन्यू नीचे। 5 5 25 25 5 5 125। सो 125 मल्टीप्लाई और 3 जीरो आगे कंटिन्यू करने हैं, बिकॉज क्यूब है यहाँ पे 10 है, तो क्यूब में 3 जीरोस कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, ऐसे ही आप लोगों को करना है। और यहाँ अगर देखते हो तो 50 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो 50 कैसे करेंगे, ये 2 जीरोस पहले ले लेते हैं, बिकॉज 2 वी हैव हियर, सो 10 के बदले 2 जीरो लेंगे, और 5 5 25। तो आंसर आ गया 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो सबसे सिंपल मुझे यहाँ पर लग रहा है 250 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं पहले 2 करती हूँ तो 5000 आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं। तो ये रफ में करेंगे हम, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 0 0 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 एंड 1 5। देखो 5000 आ गया है। अब नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3, 0 0 0 0 0 0 0, 3 5 15। तो देयरफॉर 1,15,000 आंसर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 15,000, देन प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 50 का मल्टीप्लीकेशन किसे करना है, 5 3 15, 0 नीचे ले लिया, 5 3 15, 150 हुआ है, और 2 का स्क्वायर फाइंड करो, 2 2 4 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी किया है, 2 1 4 1 4 5 6। सो दिस इज 600 प्लस 2 का क्यूब फाइंड करो, 2 का क्यूब कितना आता है, 8 2 2 4 4 2 8, सो 8। इसके बाद क्या करना है, वी हैव टू ऐड दिस ऑल नंबर टुगेदर। तो ये सारे नंबर हमें ऐड करने हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और कौन से टाइप के मिस्टेक्स होते हैं वो भी दिखाती हूँ। When we write these numbers, 1 2 5 0 0 0, ये नंबर लिख दिया है। तो नेक्स्ट नंबर जो कंटिन्यू करते हैं तो बच्चे उसे प्रॉपर प्लेस वैल्यू पे नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल मेथड करोगे, नंबर को पीछे से लिखना है, कैसे, 0 0 0 5 1, 0 0 6 एंड 8। देखिए कितने आसानी से हो गया है नंबर लिखकर। प्रॉपर नंबर जब एक के नीचे लिखते हैं तो एडिशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत ही आसानी रहती है। सो हियर वील ऐड दिस, 5 प्लस 5 10,
कैरी 4 एंड 1. सो वी गॉट क्यूब ऑफ 52 इज 1,40,608. सो वील राइट दैट हियर 1,40,608. ठीक है, तो देखो बहुत ही आराम से और अच्छे से सम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फिफ्थ सम, दैट इज 101 क्यूब, सॉरी क्यूब है. सो अगेन वी विल राइट 100 प्लस 1 करते तो 101 होता है, इसीलिए हमें इस तरह से एडिशन करना है, क्यूब लेना है. सो वैल्यू लिखते हैं फिर से. वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल फिल द आंसर. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे कंटिन्यू करते हैं. तो एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ. फॉर्मूला कैसे है आप लोग भी साथ में अगर बोलते हो तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी. ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³. ये ऐसे ही बोलकर आप लोगों को इसे लिखना है. तो जैसे क्योंकि ये लेसन में हमें दो चार फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा कि फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं. तो एवरी सम के टाइम पर अगर आप उसे रिपीट करोगे तो इजीली यू कैन लर्न ऑल फॉर्मूलाज. आप लोगों को स्पेशली बैठकर लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो वील कंटिन्यू ना सम. तो ए का वैल्यू है 100³ प्लस 3. देखो फॉर्मूला लिखने की बात तो और सिंपल हम फटाफट कर सकते हैं इसे. 3 मल्टीप्लाइड बाय 100² मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1² प्लस 100. अब बी का वैल्यू है 1³. फोर पार्ट में फिर से मैंने इसे कर दिया है. आप पेंसिल से कर सकते हो, सम कंप्लीट होने के बाद रब कर देना इसे. तो इसे अभी क्यूब फाइंड करना है तो कैसे करेंगे देखिए. यहाँ पर 2 जीरोस हैं और ऊपर दिया है 3, तो 2 जीरो का हमें 3 टाइम करना है, मतलब 1 टाइम 2 जीरो, 2 टाइम और 3 टाइम. देखो 6 जीरोस आ गए हैं और 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 1 जा 1 1 1 जा 1. प्लस नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 1 जा 3 आ गया है और इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर. तो 100 का स्क्वायर के लिए फिर से वैसे ही सेम करेंगे. हियर वी हैव 2 टाइम 0, तो 2 टाइम 0 को हमें 2 टाइम लेना है, मतलब 2 जीरोस अगेन 2 जीरोस और 1 1 जा 1, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 1 जा 1. तो यह आंसर आ गया है और उसमें 3 1 जा 3, तो इसे 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे. 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 0 जा 0 3 0 जा 0 एंड 3 1 जा 3. सो वील राइट दैट हियर. 0 पे बहुत ध्यान देना है, कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव, हियर वी हैव स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, जैसे मैंने अभी बताया 1 1 जा 1, तो आंसर 1 ही रहेगा. तो दिस विल रिमेन एज इट इज 1. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 1 जा 3 या 100 3 जा 300, 300 1 जा 300. एंड यहाँ पर भी फिर से देख लो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 1 1 जा 1 1 1 जा 1. तो क्यूब हो तो 1 के ऊपर स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, 1 का फोर्थ रूट है, कोई भी नंबर हो तो क्या होता है, आंसर 1 ही आता है. तो देयरफॉर हियर वी हैव 1. तब ये सब नंबर का हमें करना है एडिशन. तो मैं कंटिन्यू करती हूँ एडिशन. 6 जीरोस प्रॉपरली हमें लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6. फिर ये पीछे से हम लिखेंगे फिर से 0 0 0 0. देखिए क्या हो गया है, ये नंबर के नीचे 0 लिखा नहीं और यहाँ पे 3 आ गया है. तो ऐसे इस टाइप के मिस्टेक्स होते हैं जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ. बच्चे पूरे सम्स कंप्लीट करते हैं लेकिन इतने शॉर्ट मिस्टेक के लिए, सिली मिस्टेक के लिए उनके पूरे मार्क्स चले जाते हैं. और फिर बच्चे जब पेपर चेक करने के लिए आते हैं ओपन हाउस में, तब दिखा देगा, टीचर हमने ये राइट किया था तो आपने रॉन्ग. तो ये सिली मिस्टेक तो देखा ही नहीं है बच्चों ने, बस पेपर लेकर टीचर के पास आ जाते हैं. बट बच्चों ये मिस्टेक्स आप मत करो, आप लोग ये सब ध्यान रखो. 1 0 3 0 3
जीरो वन, सो दिस इज अवर आंसर। तो आंसर भी देखकर अच्छे से लिखेंगे, 1030301। और गलती आप लोग क्या करते हो, रफ वर्क पेज के पीछे करते हो, मतलब बुक के लास्ट पेज के ऊपर करते हो, और 10 बार बुक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करते करते आंसर्स लिखते हो। इससे भी क्या हो जाता है, देखने में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई या आपने ध्यान से नहीं देखा, यू मेड मिस्टेक, सो योर होल सम, योर होल मेहनत इज वेस्टेड देयर, पूरा मेहनत आपका वेस्ट हो जाता है, और सीधा टीचर को एक क्रॉस करके जीरो मार्क्स लिखने में एक सेकेंड लगता है, लेकिन सम सॉल्व करने में आपने कितनी मेहनत की है। तो गिव इम्पोर्टेंस टू योर हार्डवर्क, जो आपने हार्डवर्क किया है उसे इम्पोर्टेंस देना है, और इम्पोर्टेंट कैसे देना है, तो आपको ध्यान से सब सम्स करने हैं, नंबर जीरो सब प्रॉपरली फील करने हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं यहीं पर अभी स्टॉप कर रही हूँ 5.2 के सम्स, और जो आगे के सम्स है 6, 7, 8 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, और इसके लिए जो एग्जाम्पल दिए हैं थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल वो भी मैं आप लोगों को, थर्ड एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड ही सम है, इससे रिलेटेड सम यहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो 5.2 का ये पार्ट वन रहेगा, और 5.2 का सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग देख लो, तो उसमें आगे के सम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।